ये कहानी अब खत्म होने वाली है। I have a case for you. एक बिलियनर जो कुछ सालों से मिसिंग है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इनमें से एक 1993 में रिलीज हुई बाजीगर थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ काजोल और शिल्पा शेट्टी अहम भूमिका में नजर आई थी। यह फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही थी। सुनने में आ रहा है कि अब्बास मस्तान इस थ्रिलर का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजीगर 2 के बनने की खबरें सामने आने के बाद फैंस इसके सीक्वल के निर्माण को लेकर भी काफी उत्साहित है। अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लीड एक्टर्स की कास्टिंग पर भी बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अब्बास मस्तान ने बाजीगर 2 के निर्माण के बारे में बात की। डायरेक्टर ने फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में दिलचस्पी दिखाई और कहा जरूर बनाएंगे। फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक फैन ने कहा कि बाजीगर 2 में शाहरुख खान और अक्षय कुमार परफेक्ट साबित होंगे। बादशाह और खिलाड़ी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। इस दौरान मस्तान ने मजाक के अंदाज में जवाब दिया, आपके पास कोई और कहानी है तो दीजिए, जरूर बनाऊंगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान आखिरी बार फिल्म डंकी में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। वहीं अक्षय कुमार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आए थे। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर और अलाईएफ नजर आई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं बाजीगर 2 के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसी ही शाहरुख खान की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।